प्रोटेस्ट जो हो रहा है किस चीज को लेके और आप लोगों का क्या डिमांड है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये प्रोटेस्ट नहीं है, ये सॉलिडारिटी है। हमारे बांग्लादेश में माइनॉरिटीज, हिंदू बंगाली हो, क्रिश्चियंस हो, हमारे बुद्धिस्ट हो, टिपरासाज हो, हमारे जो जनजाति लोग हैं, हम लोग सब बांग्लादेश में आज के दिन जब से शेख हसीना का सरकार हटा है, हमने देखा है सिस्टमैटिकली हमारे मंदिर, हमारे चर्चेस, हमारे पूजा घर, हमारे प्रॉपर्टीज के ऊपर हर दिन अटैक्स आ रहे हैं, हो रहे हैं। और मैं हमारे बांग्लादेश में जो हमारे माइनॉरिटीज है, मैं उनको एक बात बोलना चाहता हूं कि आप अकेले नहीं हैं, हम आपके साथ हैं। और मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी अर्ज करना चाहता हूं कि जो माइनॉरिटीज के साथ, हिंदू बंगाली हो, हमारे त्रिपुरा के लोग हो, चाकमा हो, मॉग हो, हमारे क्रिश्चियंस हो, उन सब का जो उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, उनका प्रॉपर्टी जलाया जा रहा है, उनके महिला को उठाया जा रहा है, ये सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इंटरनेशनल स्टेज में ले जाकर, यूनाइटेड नेशन में ले जाकर बांग्लादेश को एक्सपोज करना चाहिए और उनके ऊपर प्रेशर डालना चाहिए, क्योंकि वो अपने देश में अपने माइनॉरिटीज को रक्षा नहीं दे पा रहे हैं। ये पहली बार नहीं हुआ है, ये 1940 में हुआ जब इंडिया का विभाजन हो रहा था, 50s में हुआ, 60s में हुआ, 70s में हुआ, 80s में हुआ, 90s में हुआ, कुमिल्ला में हुआ, नोआखाली में हुआ, ब्राह्मणबाड़ी में हुआ, कप्ताई में हुआ, खागड़छड़ी में हुआ। हर 10 साल हम देखते हैं कि माइनॉरिटीज को टारगेट किया जाता है पॉलिटिकल, सिस्टमैटिकली पॉलिटिकल प्रेशर डालकर, लेकिन असली उनका मकसद है कि हमारे लोगों का प्रॉपर्टीज छीना जाए, हमें अपने ही जमीन से बाहर कर दिया जाए। तो टाइम इज कम दैट द वर्ल्ड शुड नो व्हाट बांग्लादेश इज डूइंग टू इट्स ओन पीपल एंड दे शुड बी एक्सपोज्ड बाय इंडिया एट द हाईएस्ट लेवल इन द इंटरनेशनल फोरम। थैंक यू।